लेकिन तेरे को चलाना नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये मैं सोचता हूँ कि बाहुबली भी होता तो नहीं चला पाता। हेलो गाइज, मैं हूँ अमित। गाइज, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो में एक साइकिल की लंबाई बढ़ाई थी, लगभग 12 फीट के आसपास हो गई। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इस बार साइकिल की लंबाई को कम किया जाए और इस साइकिल की जो लंबाई है उसको हम मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि दोनों टायर के बीच का जो गैप है ना, वो जितना कम हो सकता है उतना कम करेंगे और साथ में साइकिल चलने लायक भी रहे। तो आज की वीडियो यही है। मज़ा आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए यार। काफ़ी टाइम लगता है ऐसी वीडियोज़ में, काटना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर है हमारी साइकिल और ये जो है एक नई साइकिल नहीं है, क्योंकि भाई पुरानी को मॉडिफाई करने में ज्यादा मजा आता है। और सबसे पहले जो है इसको काटना पड़ेगा भाई सेंटर से, ताकि हम इसकी लंबाई छोटी कर सके। तो भाई यहाँ पर हमने हमारी साइकिल को काट दिया है दो हिस्से में और थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है, बाकी दो टुकड़े इसके हो ही गए हैं। इधर पूरा इधर, और भाई यहाँ पर दो पीसेस में हमारी जो साइकिल है वो हो चुकी है। और आप देख सकते हैं पीछे वाला हिस्सा अलग है और आगे वाला अलग हो गया है। तो भाई यहाँ पर दोनों टुकड़े हमने काट लिए, पीछे और आगे का हिस्सा, और इनको छोटा कर लिया है। तो अब इसको फिक्स करते हैं इसके अंदर और इसको जो है यहाँ से ठोक देंगे हम। तो भाई अब बची है लास्ट प्रोसेस इस साइकिल के ऊपर पेंट करने की, और यही सबसे ज्यादा मजेदार प्रोसेस भी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी साइकिल नई जैसी हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर भाई पेंट करना स्टार्ट करते हैं। भाई फाइनली यहाँ पर है हमारी साइकिल, आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। और यार इसका जो साइज है वो कितना ज्यादा छोटा लग रहा है यार, एकदम माइक्रो मिनी स्मॉल बाइसिकल ये जो है देखने में लग रही है। और भाई साइड से देखिए क्या स्टनिंग लुक इस साइकिल का लग रहा है। और अगर आपको वास्तव में अंदाजा चाहिए तो आप इसका हैंडल देखिए और फिर पूरी साइकिल को देखिए। जो बीच का पोर्शन है वो तो लगभग गायब ही हो गया है, हमने जो है इसकी फ्रेम को काट करके फिर से एडजस्ट किया है यहाँ पर। और उसके बाद में जो साइकिल है ना वो इतनी सी लग रही है। आगे का जो टायर है वो भी अलग से लगाया है छोटी साइकिल का। और यहाँ पर इसकी जो चेन वाली असेंबली है, जो स्प्रॉकेट है, वो भी आप देख सकते हैं छोटा सा लगा है। इसके साइज के साथ इसको देखिए, एकदम छोटे से पैडल है। इसके चलाते टाइम आपको पता लगेगा कि ये कितना सा है। चेन भी छोटी करनी पड़ी है। और भाई इसका जो कलर है वो यार इसको क्या गजब लुक दे रहा है। कलर करने से पहले इतना मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर पेंट किया उसके बाद में भाई सारी चीजें जो है उल्टी हो गई, और उसके बाद में जो साइकिल है वो सामने आई है निकल करके जबरदस्त। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत में मजा आया तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिए यार, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी चीजें और करें। तो अब इस साइकिल को चला करके दिखाते हैं। दोस्तों साइकिल को छोटी करने की वजह से इसका वजन भी काफी कम हो गया है, और अगर मैं इसको उठा करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यार कितना इजीली जो है मैंने इसको हाथ में उठा लिया है। जो वजन है ना वो देखिए बहुत ज्यादा कम हो गया है यार, इस तरीके से हम जो है बहुत इजीली इसको उठा सकते हैं। तो अब इसको चलाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से चलाने में दिखती है। और भाई एकदम अजीब सा लगता है यार देख करके, मैं अगर आपको सही बताऊं तो। और पैडल भी काफी छोटे हैं, देखते हैं किस तरीके से चल पाएगी। चल रही है एकदम बढ़िया यार ऐसे तो, पर यार पैडल छोटे छोटे हैं यार, मेरे पैर में जो है ना ये एडजस्ट नहीं हो पा रहे। जो पैर है, अरे यार इतने छोटे छोटे पैदल है यार, किस तरीके से लगे। और भाई साइकिल चल तो एकदम बढ़िया रही है, हाथ छोड़ के ट्राई करूँ क्या, पहले चलाना सीखा नहीं, स्टंट करने लग गए। अरे थोड़ी दूर चलिए, गिरी तो नहीं। तो भाई एकदम नॉर्मल चल रही है साइकिल, आप लोग देखिए मजा आ रहा है चलाने में।
और भाई इसके जो पैडल है ना वो काफी छोटे छोटे हैं, तो मेरे पैर उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और मैं जो फटाफट से नहीं घुमा पा रहा हूँ उसको भगाने के लिए, तो मैं जो इसको धीरे धीरे चला पा रहा हूँ। थोड़ा कोशिश करते हैं तेज पैडल मारने की। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो, अरे लग गए भाई, थोड़ी आदत हो गई अब दो चार मिनट में। और ये जो है काफी तेज स्पीड पकड़ चुकी है। और भाई घुमाओ घुमाओ कितनी जगह में घूम जाती है, आपको घुमा करके दिखाता हूँ, देखो कितनी सी जगह चाहिए इसको घूमने के लिए। उसको एक मीटर के अंदर घूम गई यार, एक मीटर के अंदर। इस पे बैठ के चलो दोस्तों, यहाँ मैं पीछे बैठ गया इसके कैरियर के ऊपर, अब देखते हैं किस तरीके से चलती है। और यार मुझे लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा जो है कंफर्टेबल है, क्योंकि अब मैं हैंडल को थोड़ा अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ, हैंडल जो एकदम रीच में आ गया है। यहाँ पर यहाँ बैठ के हैंडल ज्यादा ही पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एकदम ठीक है। लेकिन यार फिर भी यार क्या फील आ रही है, मतलब नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, वहां पर होता है अगला टायर और ऐसे हम चलाते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिखे नहीं रहा, इसमें लग रहा है कि मैं एक ही टायर के ऊपर बैठा हूँ, सच्ची बात तो ये है। और भाई चलने में जो है ना बहुत इजी है, एक ही बार में बंदा चला लेता है, आप देखो यार। लेकिन यार चलाने में आप देखिए कि यार किस तरीके से दिखता है, जब मैं बैठा था ना तो इतना फनी नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप लोग देखिए यार किस तरीके से जो है ये दिखती है चलने में, अरे दम लगा। एक एक फील आ रही है इसको देख के यहाँ पे चलाने के बाद। वो तो आ ही रही थी वाली फील। भाई बच्चों वाली नहीं, बहुत जबरदस्त फील आ रही है चलाने के बाद में, लेकिन तेरे को चलाना नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है। मैं सोचता हूँ कि बाहुबली भी होता तो नहीं चला पाता। ये बात तो है। पीछे बैठ जा, इस पे कैरियर पे बैठ जा, कैरियर बैठ के चला, चला चला चला। हाँ यहाँ से जो है थोड़ा ये ठीक चलती है, क्योंकि पैडल थोड़ा सा सही तरीके से एडजस्ट हो जाता है। इस बार जोर से देना, जितना जितना दम है ना उतना लगा देना इस। अरे पैर से तो मैं भी भगा ही रहा था, उसमें क्या है भगाली भाई इस बार। तो भाई अब कोशिश करूंगा इसको भगाने की जितना ज्यादा हो सकता है। बन गई बन गई। और भाई काफी तेज स्पीड पकड़ ली इसने, भागो भागो भागो। चैन उतर गई, अरे चैन उतर गई भाई। ज्यादा ही तेज चलाती है ना। कोई बात नहीं, चैन तो चढ़ गई, ठीक है, साइकिल में प्रॉब्लम नहीं है, चैन तो हर किसी साइकिल की उधर जाती है। और भाई स्पीड बढ़ गई इस बार बहुत ज्यादा तेज। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको और भी मस्त मस्त वीडियोस देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार, क्योंकि हमें काफी ज्यादा आपसे अप्रिशिएशन मिलता है कि हम और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर के आए, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।